नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। 5 अगस्त डेट रहेगी आपकी फ्राइडे की। आज मैं 3 से 4 घंटे लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं गया हुआ था जयपुर और अभी पहुंच के सबसे पहला काम मैं यही कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज उम्मीद है अच्छा पैसा बना होगा, बना है। खैर, लोगों ने बहुत स्क्रीनशॉट भेजे और खूब थैंक यू भी लिखा है, और मुझे नहीं पता मैं और किस लैंग्वेज में आपको बता सकता था कि मार्केट को ऊपर से सेल ही करना है। ट्यूसडे को भी मैंने आपको यही बताया था, मार्केट को ऊपर से सेल ही करना है। वेडनेसडे को भी मैंने आपको यही बताया था, मार्केट को ऊपर से सेल ही करना है। आज भी सुबह मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट को ऊपर से सेल ही करना है। आपको मिनिमम 150 से 125, 150, 200 पॉइंट मिलने चाहिए। और आज भैया मैंने भी अच्छा पैसा बनाया, अच्छा नहीं मोटा पैसा बनाया, मोटा। ठीक है, एक तो अच्छा होता है एक मोटा होता है, क्योंकि मैं था मंथली पुट में। ठीक है, बट आज मुझे पूरा विश्वास था इसकी ओपनिंग को देखते हुए कि आज इसका सेटअप ठोकने वाला ही है, क्योंकि औकात नहीं थी निफ्टी की 17450 से लेके 17500 के बीच में टिक जाए। ये जो हाई था, ठीक है, इससे ऊपर 30-40 पॉइंट बस। क्यों? आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि एक्सट्रीमली ओवर बॉट क्या होता है। यहां तक तो तेजी हुई, देखिए आपको ये भी तेजी है, ये भी तेजी, ऊपर ऊपर अच्छा खासा 100-150 पॉइंट दिख रहा है। बट इस मंडे से क्या हो रहा है, ऊपर ज्यादा बड़ी तेजी नहीं होती है। ठीक है, जो उसका हाई है उसके ऊपर कहाँ क्लोज करता है, नहीं करता है। ठीक है, आज भी कोई खास बड़ी तेजी नहीं हुई। तेजी है तो करिए भैया, 340 के ऊपर क्लोज है, अगले दिन आप दिखाइए 460 कम से कम, 100 पॉइंट तो इसके ऊपर क्लोज करिए 440, और अगले दिन भी तेजी करनी है 540 के ऊपर क्लोज तो करिए। क्लोजिंग क्यों यहाँ पे हो रही है? ठीक है, पहले नीचे आता है फिर खींच दिया जाता है, तो ये हो रहा था मार्केट में। अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। और बाकी जो देखिए मेरी सबसे जो लोग मुझे हेट करते हैं ना, मतलब जिनको मैं पसंद नहीं आता हूँ, 1.25 साल से वो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, सारी। और उनकी खासियत क्या है ऐसे लोगों की, वो पूरी वीडियो देखते हैं विदाउट स्किप, क्योंकि उन्हें बीच में चीजें पकड़नी होती है। बट उससे मुझे क्या फायदा होता है, जो मेरा वॉच टाइम है, ठीक है, जो मेरा वॉच टाइम है यूट्यूब पे वो बढ़ता है। अब मेरा वॉच टाइम अगर यूट्यूब पे बढ़ता है तो फिर भैया यूट्यूब मेरी वीडियो को रिकमेंडेशन भी देता है, रिकमेंडेशन देता है तो मुझे काफी प्यारे लोग भी मिलते हैं। ठीक है, जो ये तक बोले थे जीटी भाई हम ट्यूसडे से सेल में बैठे हुए थे, ठीक है, आज जाके 9-10 हजार के प्रॉफिट हुए, अच्छे खासे प्रॉफिट हुए। ठीक है, मैं बहुत बिजी था दोस्तों, अदरवाइज मैंने जो अपना प्रॉफिट बुक किया 17,215 के आसपास बुक कर लिया था, क्योंकि डेटा में बहुत अच्छी पुट राइटिंग थी। किसकी पुट राइटिंग थी? प्रोज की। भैया उनकी पैंट उतर जाती अगर मार्केट 17,250 के नीचे बंद हो जाता ना, वो इतना लॉस लेके जाते। उन्होंने तो भैया 17,400 की भी पी को जीरो खाया है, इतनी 3 लाख प्लस उनकी पुट राइटिंग थी, तो प्रॉफिट बुक करना था यहाँ पे। ठीक है, चलिए कल की चर्चा करते हैं। काफी लोग मजे के लिए देखते हैं, कहते हैं तो मजे के लिए देख, अरे मजे लेने टॉम एंड जेरी देखो यार, मेरी वीडियो में ऐसा क्या है? बेसिकली यू ऑल वॉन्ट टू नो कि ये बंदा बाय बोल रहा है कि ये सेल बोल रहा है, और मैं ठोक बजा के बोलता हूँ। ठीक है, ठोक बजा के, नहीं तो ज्ञान देने वाले बहुत यूट्यूबर हैं, ले लिया करिए उनसे ज्ञान, जो आपको कभी नहीं बताएंगे, बोलेंगे आज हमने पुट सेल कर दी, जब ये यहाँ पे आए हमने कॉल सेल कर दी। ठीक है, बदलता नहीं हूँ, जो बोल रहा था उसी पर टिका रहता हूँ। चलिए ज्यादा फालतू की बात नहीं करते, मार्केट की बात करते, ज्यादा हो हल्ला ठीक नहीं है। अब देखो दोस्तों, सीखने वाली चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक कीजिएगा। मैं यहाँ पे चीजें समझाता हूँ आपको। ये कोई बोल रहा है ये जीटी भाई ये तो हैमर है, हैमर है, हैमर तो बुलिश पैट, हैमर बनता है हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड में। ठीक है, जब ऊपर से नीचे चीजें आ रही हो, हैमर की डेफिनेशन तो पड़ी है, कैंडल हैमर बोलने से थोड़ी कुछ हैमर हो जाता है। अरे हैमर की डेफिनेशन क्या है, हैमर की डेफिनेशन तो पढ़िए, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, वो डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, सेलर मार्केट में एक्टिव रहते हैं। ठीक है,
बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में बायर आते और प्राइस को खींच के ऊपर ले जाके बंद कर देते, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंड में। तो ये जो विक बनती है नीचे की तरफ और ऊपर हैमर बनता है, इसको डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब कैसे मैं कहां बताऊं आपको, ये हैमर, ये कैंडल हैमर, ग्रीन कलर का हैमर हो तो और भी अच्छा रहता है, रेड कलर का हैमर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती। अब अपर ट्रेंड में इसको काफी यूट्यूबर आपको हैमर बोलते हुए देखिए, हैमर नहीं, ये कभी कभी हैंगिंग मैन बन जाता, ठीक है, जैसे कोई पहाड़ पे लटका हुआ आदमी दिख रहा होगा ना, कैंडल आपको दिख रही होंगी, हाँ कोई लटका हुआ सा लग रहा है। तो ये होता है, ये सिग्नल होता है किस चीज का, कि जो बुल रन है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। क्या है, एग्जॉस्ट हो रहा है, बुल जैसे तैसे अपनी चड्डी बचा रहे हैं, ऊपर से सेलिंग आती है बट खींच के बंद कर देते हैं, सेलिंग आती है खींच के बंद कर देते हैं, सेलिंग आती है खींच के बंद कर देते हैं, ये हो रहा है, ठीक है। और आज की भाई मानना पड़ेगा, आज की कैंडल इतना ऊपर ले जाके, पर वो सीधा सीधा डेटा में था जो पुट राइटिंग थी, उसकी वजह से इसको खींच के इतना बंद किया गया ताकि ये पुट खाई जाए इनकी, ठीक है। चलिए आइए, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, मार्केट मैं आपको अभी भी बता दूं, अभी भी ओवरबॉट है, ठीक है, अभी भी ओवरबॉट है। बट हाँ, इसने जो ऊपर से नीचे की तरफ लगभग 300 प्लस पॉइंट की जो गिरावट दी है, उसमें अब इसमें स्पेस बन गया, अब ये ऊपर 100-200 पॉइंट आराम से जा सकता है, ठीक है, पहले नहीं जा सकता था और ये गिरावट आनी थी, ठीक है, आनी ही आनी थी, आनी ही आनी थी, इसको कोई रोक नहीं सकता था। मैं जब जब इस सेटअप पे ट्रेड करता हूं हमेशा पैसा बनाता हूं, हमेशा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हाई है ये मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पेन की किताब में लेके लिख लीजिए, आज का हाई है 17489.25, बस 17489.25। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे निफ्टी, हम निफ्टी को बाई करेंगे, एसएल लगाएंगे 17450, यहां से 40 पॉइंट नीचे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा हमारा ये वाली लाइन, और ये फिर आपका आ जाएगा, लगा लीजिए आप 17650 प्लस, हमारा टारगेट फिर ये वाली लाइन, क्योंकि फिर इसका अगर ये आज का हाई काट रहा है ना, तो फिर ये यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, मतलब ऐसा मुझे इस लेवल पे नहीं बोलना चाहिए, रोक नहीं सकता, क्योंकि अब चांस दोनों तरफ का मार्केट अब ओपन हो चुका है। हाँ, पर ये मैं आपको जब बोल रहा था कल आंख बंद करके सेल कर देना, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था, कुछ स्टडीज है मेरी, ठीक है, कुछ नॉलेज है। तो सिंपल सी बात होगी, बुल बनने के लिए आपको क्या, कब बाय करना है, या फिर राउंड फिगर ही ले लीजिए आप भैया 17500 के ऊपर, और जो आपका बाई होगा वो भैया 100-150 पॉइंट, इससे ऊपर के लिए सोच मत लेना, क्योंकि मार्केट स्टिल ओवरबॉट है, और यहां पे जब अगर चला जाएगा तो वो फिर से एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट की कंडीशन में फिर से हो जाएगा। अब बात आती है कि ये जो कैंडल बनी है ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है, आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवें दिन जाके कोई रेड कैंडल बनी है। सिंपल सी बात है, ये कैंडल का जो ओपनिंग है, मतलब तीसरे वाली कैंडल की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के नीचे जाते ही आपको सेल करना, ठीक है, इस ओपनिंग के नीचे जाते ही आपको सेल करना है, मैं आपको बता देता हूं। एंड ओपनिंग है 17310, ठीक है, 17310, ये सेफ प्लेयर के लिए मैंने बताया, अदरवाइज आप निफ्टी को बिंदास सेल करिए 17350 के नीचे। एसएल आपका क्या है, 17380, बस 30 पॉइंट का एसएल मैंने दिया है, 17350 के नीचे सेल करिए, आपके टारगेट है 17280 से लेके 17260 पहला टारगेट, ठीक है, ये जोन बन गया है अभी, यहाँ के बीच में अटकेगा। दूसरा टारगेट है आपका 17000
215, ये टूटेगा, ये दूसरा टारगेट है, ये पहला टारगेट है, तीसरा टारगेट 17160 जो आज का लो है। सेल कब करना है? 17350 के नीचे, एसएल सिर्फ 30 पॉइंट, सिर्फ 30 पॉइंट, ठीक है। मार्केट में अभी 200-250 पॉइंट की तेजी हो सकती है, बट उससे ज्यादा तेजी नहीं हो सकती क्योंकि मार्केट इतना हल्का नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, ये क्लोज करता नीचे, एक दो दिन कंसोलिडेशन करता, तब इसमें जरूर 500-600 पॉइंट की जगह बन जाए। इसने आज ही लाके फिर से ऊपर क्लोज कर दिया, तो वो फिर से उसी पोजीशन पे आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपने देख लिया होगा दोस्तों, जो मेरी 10 EMA की स्टडी है, ये इस जो ये इसी को छू के, ये इस चीज ने मुझे इतना मजबूर किया कि ऐसा क्यों होता है। एक एक महीना रात को मैं 2-2, 3-3 बजे तक जगता था, तब मैंने ये चीजें पता करी है। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाओगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, जो सच में सीखना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। ऐसी ऐसा कंटेंट पड़ा है मेरे YouTube चैनल पे, कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। लोग पैसा लेके भी नहीं आता होगा तो शायद बताते होंगे, ठीक है। जो सच में सीखना चाहता है, अरे आप ऐसी वीडियो दिखा दो जो मैंने 10 EMA की डाली हुई है, पूरे YouTube में ऐसी वीडियो दिखा दो। रिसर्च भाई, रिसर्च देखे, न्यूज आधे चैनल YouTube में न्यूज वाले, रिसर्च वाले चैनल बहुत कम। मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है, ये मेरा चैनल है, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाते हैं तो ये टेक्निकल एनालिसिस एंड स्ट्रेटजीज, इसको खोलिए, ठीक है। ईएमए का टेक्निकल भाई मेरी अपनी खोज है सारी, एक एक न, और सब मैंने यहाँ डाला हुआ, डेटा को कैसे रीड करना है, ठीक है, गैप अप हो तो क्या करना है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 20 EMA, ये इतनी तगड़ी वीडियो है ना, आपको मिलेगी नहीं कहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी, RSI, ये देखिए RSI का आपके ऊपर 1000 वीडियो मिल जाएंगे YouTube में, ऐसी वीडियो दिखा देना आप RSI, ठीक है। बजाज फाइनेंस की स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई हुई है, 90% काम करती है स्ट्रेटजी, सिर्फ बजाज फाइनेंस में लागू करके देखिए आप इसको, तो सोचिए एक स्क्रिप्ट भी कैसे पढ़ी होगी मैंने, बीवी बोलती थी पता नहीं क्या करता रहता है, ठीक है। पढ़िए पोजिशनल ट्रेडिंग, 10-15 दिन के लिए कैसे क्या कौन सा ट्रेड लेके दिए, देखिए जो मैंने 945 पे नो ट्रेडिंग जोन बना के जो आपको स्ट्रेटजी बताई हुई है, सब एक से एक वीडियो है यार। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, किसी की भी ट्रेनिंग लोगे वहां भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज देख सकते हैं आप, 4-5, नो इंडिकेटर, नो फिंडिकेटर, सब सिंपल, बिल्कुल 5 स्ट्रेटजी, सब सिंपल, कोई फालतू का इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ आपने कैंडल का ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस देखनी कि वो काट रहा है कि नहीं काट रहा, बाय करिए, बिंदास बाय करिए, ठीक है। ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करिए, 199 की मेंबरशिप है, हफ्ते में 2-3 स्टॉक दूंगा और एक्यूरेसी देख लीजिएगा, ठीक है। सीखने वालों के लिए मैंने बताया था, तो ये था, सीधा बोला था आपको, 2 दिन में 37,300 के नीचे दिख जाएगा और टॉप से गिरा है बिल्कुल, ठीक है। और इसी के ऊपर मैंने पुट दे दी थी आज सुबह सुबह, पुट दे दी थी 38,100 के आसपास चल रहा था, अपने मेंबर्स को और अब स्ट्रोक्स वाले चले, डबल हो गई है ऊपर, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या करना, बैंक निफ्टी ज्यादा नेगेटिव है भाई, बैंक निफ्टी उसके मुकाबले, निफ्टी के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव है। इसने ये 2-3 दिन का लो बनाया, इस कैंडल के भी नीचे क्लोज किया, इस कैंडल के भी नीचे क्लोज किया, और बल्कि हालांकि निफ्टी ने ऊपर क्लोज किया, ठीक है। तो इसमें बहुत तगड़े सपोर्ट का काम कर रहा है ये लेवल 37,550, आप राउंड फिगर में ले लीजिए 37,500, ये अगर ब्रेक होता है तो आपका टारगेट पहला है ये जो आज लो बना है, ठीक है। दूसरा टारगेट है 36,800, बस कोई चिंदी चोरी नहीं, दो टारगेट, जो आज का लो है 37,250 पहला, दूसरा टारगेट 36,800, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल यही व्यू है, बैंक निफ्टी में मेरा बाई साइड का व्यू नहीं है, निफ्टी में फिर भी है पर बैंक निफ्टी में मेरा बाई साइड का व्यू बिल्कुल नहीं है, बैंक निफ्टी को सेल ही करना है बिलो 37,500। तो यही है दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा तो और अच्छा लगेगा, सीखने को कुछ मिला हो तो बहुत ही बहुत
अच्छा, और बाकी जो मेरे सच्चे फॉलोवर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा नहीं है मैं यहां पे गलत साबित हुआ था, ठीक है, कि 16500 की जो पुट थी मैं गलत था। हाँ, मार्केट फ्राइडे को चला ऊपर गया था, बट उसके बाद मार्केट ने 300 पॉइंट की गिरावट भी दी थी। ये देखिए आप, टॉप कितना दिखेगा आपको, सॉरी ये वाला 16752, इस कैंडल का हाई है 16752। बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो नीचे लो लगा था ना, ये 17440 का लो लगा था, तो जो 16500 की पी थी ये आपकी प्रॉफिट में ही निकली थी, अगर किसी ने यहां से भी ठोकने की कोशिश की। तो मैं कह रहा था 300 पॉइंट की गिरावट आनी है। हाँ, बस फ्राइडे को जो तेजी हुई उसने, मैं सही बोलूं, मेरी भी पैंट उतारी थी, मुझे वो बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हुई थी। और वो बैंक निफ्टी ने दगाबाजी करी थी, बेईमानी करके पढ़ाया था उसको, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।